आज उसकी बीवी आई और उसका दिमाग खराब हो गया। आज से पहले तो उसने कभी हमसे इस तरह से बात नहीं की। वैसे हमें गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया। भाई कैसे चिक चिक के बातें कर रहे थे। रूमी भाभी क्या सोच रही होंगी कि भाई का सलूक हमारे साथ ऐसा है? और नहीं तो क्या। अरे पहले ही दिन अपनी बीवी पर ऐसा फिदा हो गया कि सेज ना सजने पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया उसने। अभी तो अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ मैं इसकी बीवी। अगर अपनी पसंद की लाया होता तो अल्लाह जाने क्या कर गुजरता ये लड़का। माना जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान तमीज लिहाज अदब सब भूल जाए। रूमी भाभी है भी तो प्यारी ना, अब इतना रिएक्शन तो भाई का बनता ही है। इतनी भी हसीन नहीं है वो कि इंसान हवास बाख्ता ही हो जाए। मैं एक बात बता दूं साफ साफ, जिस तरह से नबील के सर पर उसकी बीवी सवार है ना, असद के सर पर उसकी बीवी को सवार नहीं होने दूंगी मैं। और वैसे भी जो भी है, बीवी की अपनी हैसियत अहमियत होती है, लेकिन बेटे के लिए माँ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इसीलिए वक्तन फवक्तन ये बात उसे मैं बावर करवाती रहूंगी ताकि वो किसी भूल में ना रहे। चल अम्मी चले, उसे छोड़ हटो भाई, सबके सब एक जैसे हो।